मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। मार्च महीने के पहले ही दिन सुबह ही हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक संदेश के द्वारा आपसे मिलने का जो मौका परमेश्वर ने दिया है, जो संदर्भ परमेश्वर ने दिया है, इसे याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा लगता है कि अभी यह साल शुरू हुआ है। 2024वां साल जो है बिजली की तरह रफ्तार से जा रहा है। तीसरा महीना शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मेरा रक्षक जीवित है क्योंकि वही हमारा गढ़ है। इस दुनिया में कौन है उससे बढ़कर? इसलिए इस दुनिया में या इस दुनिया के किसी भी चीजों पे प्रेम न रखो, ऐसा प्रभु ने कहा है। दूसरी बात, मनुष्य पे भरोसा ना करें, परिस्थितियों पे भी भरोसा ना करें, धन पे भी भरोसा ना करें, सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करें। ऐसा ही आप जी रहे हो, ठीक उसी तरह आज के दिन मार्च के महीने के पहले ही दिन उस पर भरोसा करो। वही आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही आपका प्रतिनिधि है, वही आपका न्यायाधीश है, वही न्याय करने वाला परमेश्वर है, वही आपको आलोचना देता है, वही आपका सबका सब कुछ है। तो आज सुबह परमेश्वर के नाम से उसके सेवक होने के नाते मैं आपसे कहता हूं, प्रतिदिन परमेश्वर का सम्मुख आपके सामने चलेगा। सुबह हर दिन जब आप उठते हो, पहले आंखें बंद करके परमेश्वर की स्तुति कीजिए और कहिए, हे यीशु, यह दिन मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। साधारण सा एक सिंपल प्रार्थना। आज पहला तारीख है ना, पहले ही तारीख को आपसे बताने के लिए एक संदेश मेरे पास है, एक वचन मेरे पास है। बाइबल में है वह बात, वह आज का वचन है, विशेष रूप से हमारे जीसस मीट्स के जितने परिवार हैं, हम सब एक फैमिली है ना। आपका वचन मेरे पास है। पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 15वां अध्याय और 13वां वचन। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है और तुम्हें विश्वास करने के में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमेन। विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से, भाई इस महीने में जो है मुझे शांति होना चाहिए, आनंद भरा हुआ होना चाहिए। अगर आप ऐसे मुझसे पूछें तो मैं कहता हूं, विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद। तो शांति और आनंद का सीक्रेट सिर्फ विश्वास है। आप जानते हो किस पर आप विश्वास करते हो, उसके आने तक उसे संभालने के लिए वह सामर्थ्य भरा है। तो इसलिए पर एक बात है, पिछले महीने जो विश्वास आपके अंदर था वही नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन आपके विश्वास में आगे बढ़ते रहना चाहिए, विश्वास में बढ़ोतरी होनी चाहिए, विश्वास में आपको और बढ़ना है। यह वचन ऐसा ही बताता है, विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें। यह जो पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है, इसलिए इस वचन को परमेश्वर आपको इसलिए बता रहा है क्योंकि परमेश्वर के लोगों पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही वचन बताती है कि आपके अंदर आशा उत्पन्न होगी। आपके बाइबल नॉलेज से आशा उत्पन्न होगी, या फिर इंटेलेक्चुअल नॉलेज के द्वारा आशा बढ़ेगी, या फिर एक मसीह एक्सपीरियंस के द्वारा आपकी आशा बढ़ेगी। ऐसा कोई बाइबल एविडेंस नहीं है। बाइबल में क्या बताया गया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती है। तो आपको उस पर निर्भर होना है। अभिषेक में भरे रहिए, प्रतिदिन आपका कटोरा उमड़ता रहे। माय हम्बली रिक्वेस्ट टू यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप किस चर्च के विश्वासी हैं यह प्रश्न नहीं उठता। हरेक सभा में यीशु मसीह है, पर पवित्र आत्मा के द्वारा जो सामर्थ्य उत्पन्न होती है उसे आपको फील करना है। द स्ट्रेंथ ऑफ द होली स्पिरिट,
द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, उसे आपको अनुभव करना है, तो उसका मतलब क्या है कि आत्मा में भर कर अन्य भाषाओं में आपको बातें करना है, वह अनुग्रह आपके पास नहीं है तो हे प्रभु इतने उम्र हो गई है, इतने साल से कलीसिया में जाता हूं, लॉर्ड आई नीड सच ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, वह अनुभव मुझे दीजिए। हाँ पिता, पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझे दीजिए। पवित्र आत्मा का सामर्थ जब आ जाता है तो एक्ट्स चैप्टर 1:8 में क्या कहा गया है, पवित्र आत्मा जब आपके पास आएगा तो आप सामर्थ पाओगे यहूदिया और समरिया और इस जगत के सारे जगहों में आप गवाही बनकर रहोगे। हाँ, गवाही दो तरह के हैं, गवाही बोलना और गवाही की तरह जीना। तो इस महीने में प्रभु में ये सब बातें आप पूछिए, हे प्रभु मैं गवाही बोलूं। एक डॉक्टर हूं तो जब लोग क्लिनिक में आते हैं तो किसी चीज की चिंता मत करो, मैं जो दवाई देता हूं वो साधारण से होंगे पर परमेश्वर को देखो, परमेश्वर चलाएगा। अगर आप तरकारी बेचते हो तो दुकान में जो भी आते हैं प्रतिदिन परमेश्वर से आपके लिए विनती करूंगा, ऐसा एक बात बोल दीजिए। हाँ, यह महीना जो है सफलता का महीना बनकर रहे, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। प्रार्थना करें, अपने आपको परमेश्वर के हवाले करके प्रार्थना करते हैं, इस महीने भर में एक नया अनुग्रह परमेश्वर आपको दे। प्यारे प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, हे प्रभु आशा का परमेश्वर, विश्वास के द्वारा आने वाली सभी प्रकार के आनंद और शांति दोनों इस मार्च के महीने में अपने बच्चों को दे दो, परिपूर्ण कर दीजिए, उन्हें तृप्त कीजिए, विश्वास में बढ़ने के लिए उनकी सहायता कीजिए, विश्वास में तेरे बच्चे चलें, विश्वास में वो काम करें, विश्वास के द्वारा तेरे बच्चे बड़े बड़े काम करें, विश्वास के द्वारा राज्यों को जीता है बाइबल में। हे परमेश्वर, विश्वास में बढ़ने के लिए जो कुछ सामर्थ चाहिए, जो कुछ पैसे इन्हें चाहिए, घर के अंदर जो भी शांति उन्हें चाहिए भर दीजिए और तेरे पवित्र नाम की महिमा कर लें। इस मार्च के महीने में पहले तारीख को हे प्रभु सुबह से लेकर इस पूरे महीने में किसी तरह की दुर्घटना या किसी तरह की वेदना या कष्ट या बुरी चीजें इनके पास ना आए, कान से भी ना सुनने पाए, अपने बच्चों को संभाल ले, लहू में इनको सुरक्षित रख ले, तेरी महिमा हो, यीशु के नाम से हम मांगते हैं हमारे हे पिता, आमेन। परमेश्वर भला है, प्रतिदिन सुबह सवेरे सवेरे हर दिन पवित्र आत्मा के साथ जो संदेश आप सुनते हो उसके बाद क्लाइंटली आप मेरे लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए प्रार्थना करें, जिस स्मिथ्स मिनिस्ट्री के लिए हाथ उठाकर स्तुति कर दीजिए, परमेश्वर चलाएगा, अब तक जिसने चलाया है आगे और हमें चलाएगा, ठीक है। हमारा परमेश्वर सदा हमारे साथ है, कब तक हमें चलाएगा, मृत्यु तक हमें चलाएगा, इसलिए परमेश्वर हमें चलाएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें, हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542663। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।